यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है, और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782.38 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है, पिक एंड चूज नहीं, उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी, और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। इसमें हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, रिफॉर्म किए, रेवेन्यू लीकेजेस को हर स्तर पर समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे सरकार ने, विभिन्न विभागों ने इसके लिए कार्य किया, और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बना है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में राजस्व में हमने कई गुना वृद्धि की है, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए हुए, यानी कॉमन मैन को टच किए बगैर, उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हम प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने में सफल हुए हैं। और बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित राजकोषीय घाटा FRBM की लिमिट है 3.5, हमारा यह बजट उस सीमा के अंदर 3.46% तक, या हमारा यह राजकोषीय घाटे के उस नियंत्रित करने और एक सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रस्तुत करता है, जो हमारी इस बात को प्रस्तुत करता है कि सरकार का जो विजन था कि सुरक्षा, विकास और सुशासन, और बजट में है राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन के लिए भी, यानी हमने विकास भी किया है, सुरक्षा भी दी है, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है, लेकिन साथ साथ अपने बजट को राजकोषीय
संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया है, और वह आपको इस बजट में भी देखने को मिल रहा होगा। प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। जब 16-17 में प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से ऊपर था, 19.2% से अधिक था, आज ये घटकर के 2.4% के आसपास है, यानी हम उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त की है। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नए वातावरण का सृजन किया है, एमएसएमई यूनिट्स को पुनर्जीवित किया है, एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पलक पर एक नई पहचान भी दिलाई है। और उत्तर प्रदेश में जो बैंकों के साथ ऋण जमा अनुपात सीडी रेशियो जो यूपी का था जो 44% था, आज वह बढ़कर के 57% से अधिक हो चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि पर हम लोगों ने निरंतर फोकस किया है। ये सभी सेक्टर हैं जिन पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इस बजट में कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनमें से कि 24,863.57 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं भी हम आज इसके साथ जो इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन नए उद्यमियों को प्रदेश के अंदर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सीमा 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर करने जा रहे हैं, उसमें ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना यह वाराणसी में करने और 2 मेगा राजकीय ITI की स्थापना और 69 ITI के उन्नयन का प्रस्ताव भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की कार्रवाई भी प्रदेश में है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना और आंगनबाड़ी के उन्नयन की, जो लगभग 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो लगभग 46 वर्ष के बाद प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा जो कानपुर और झांसी के बीच में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए FDI पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था दी, बजट में प्रावधान किया है। IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना,
500-bedded सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की कार्रवाई को भी इस बजट में हम लोगों ने प्रदेश की जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर जो हमारे पास पोटेंशियल है वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है, देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है, इनकी थीम पर आधारित अवस्थापना विकास की कार्रवाई। प्रयागराज कुंभ के लिए अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने और विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए भी अभी से बजट का प्रावधान प्रयागराज कुंभ के लिए हम लोगों ने किया है। निसारगुय सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर के लिए, इसके अलावा आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि हमारा एक प्राथमिक सेक्टर है यूपी जैसे राज्य में, जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इसमें अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रस्तावित की है। प्रदेश में राज्य कृषि विकास योजना प्रस्तावित की गई है, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग जो प्रदेश के अंदर निजी नलकूप हैं उनसे जुड़े हुए किसानों को हम लोग बिजली उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए निशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए भी धनराशि का प्रावधान हमने बजट में किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की खेती को ग्लोबल वार्मिंग से भी उनकी पैदावार में प्रभाव न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए भी हर ग्राम पंचायत में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, जो खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, वह भी हम इसमें के साथ करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का यह बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 trillion की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था तो उसका ये अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 trillion की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा और बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए।